जर्नी तो सबसे पहले बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि ये फर्स्ट एवर गलो गलो बैल का जो खासकर हम लोगों का जो गालो बैल का फर्स्ट द सीज़न है द वॉइस ऑफ गालो का पहला सीज़न है शुरू से लाइक मैं तो बहुत एक्साइटेड था एंड फाइनली ऑडिशन पूरे लाइक दो महीने तक हम लोगों ने ऑडिशन किया उसके बाद फिर आज सेमीफाइनल हो गया और फाइनली हम लोगों को आ, अपना टॉप सिक्स भी मिल चुका है जो जिसमें से किसी एक को फर्स्ट द वॉइस ऑफ गालो का विनर मतलब बनेगा या बनेगी टॉप सिक्स में से तो जो कि होने वाला है थर्ड सेप्टेम्बर को डी के कन्वेंशन हॉल में या yeah, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जर्नी बहुत अच्छा था क्योंकि हमें बहुत अच्छा सा सिंगर मिला खासकर इस इसलिए मुझे मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छा सा सिंगर्स मिला हम लोगों को जो कि हमारे गलो बेल का जो इतना अच्छा मतलब उमदा उमदा सिंगर को मिला या एंट्री मतलब यू नो एंट्री टिकट के साथ साथ वो आपका यू नो आपके कंटेस्टेंट के एक बोर्ड के हिसाब से भी होगा क्योंकि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ टिकट uh, आप ले रहे हो तो वो टिकट आपका एंट्री एंट्री पास भी होगा प्लस उससे आप किसी कंटेस्टेंट को अगर आपको अच्छा लगा तो उससे बोटिंग uh, का भी काम आएगा वो बोर्ड के एक, एक काम आएगा वो या लोगों का एक ही प्लान प्लान है जो भी यहाँ से विनर बनता है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा सीधा अरुणाचल आइडल में उनको एंट्री करने का मौका मिलेगा या मतलब अभी जो होने वाला है हाँ आई थिंक वो तो टॉप ट्वेल्व या मे ट्वेल बी अभी एग्जैक्टली डिसाइड नहीं किया टॉप ट्वेल्व में होगा या फिर मे बी नेक्स्ट स्टेप आगे उनको एक एक प्रिविलेज तो मिलेगा जो कि ये जो भी यहाँ से विनर बनेगा उसको एक प्रिविलेज मिलेगा कि वो आगे अरुणाचल आइडल में कंटिन्यू कर सकेगा या इसको एक्चुअली हम लोग एक कैलेंडर इवेंट बना करके हर, हर साल इस इवेंट को हम लोग करने से ठीक है क्योंकि हमारा जो बॉस्ती में बहता है रिमोट एरिया में बहता है सिंगिंग टैलेंट है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है तो ये एक प्लेटफॉर्म देने का एक आशर है एक ओकेज़न है एक अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसा करके हम अपना जो गालो का सिंगर है और और जो सिंगिंग में टैलेंट है उस आदमी को हम अच्छा से ट्रेंड कर रहा है क्योंकि उसको गाने को जो गाना में होना चाहिए उस चीज़ को सिखा रहा है ऐसा करके हम नॉट ओनली गालों में है बोल के अरुणाचल आइडल में आना चाहिए इंडियन आइडल में आना चाहिए ऐसा मेरा सोच है और दिस इज़ माय ओपिनियन इन आ, आ, इन कनेक्शन विथ दिस वॉइस ऑफ गालो सर जैसे कि बहुत सारे यूथ यंग एनर्जी लोग भी है आना भी चाहते हैं और कुछ करना भी चाहता है तो कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंशियल इम्बोव होने के कारण अपना खुद का टैलेंट को बाहर उभर के नहीं आ पाता है इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए सपोज एग्जाम्पल ऑफ माई कॉन्स्टिटेंसी अगर मेरा कॉन्स्टिटेंसी में किसी का पास हिडन टैलेंट है उसको कोई ना कोई प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा या विधायक का करना पड़ेगा या पंचायत लीडर का करना पड़ेगा उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसको ट्रेन अप करके प्लेटफॉर्म में लाना होगा ताकि वो भी अपना एक अच्छा आ, ये बना सके कि सिंगिंग टैलेंट को लेकर के अपना दुनिया बना सके अपना ज़िंदगी बना सके हमारा गालों का नाम को रोशन कर सके उसके लिए हम लोगों को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा और आगे आ करके इसको मदद करना पड़ेगा गलो हैगी कॉन्टेस्टेंट माने यूथ गए इतना लेवल हाई हो गया मोन के सिंगिंग मेरा चेमा तो लगा लो यही लो हम सिंगिंग कंपटीशन है रिग्रम अभी जो लेवल है ईजा के जो लेवल है मजहब हाई दू हिलो ग मैं हम लाइव बतान में मजा बे ताकि नोप तन में अरे हम बे ही की प्लेटफॉर्म ही हम बे दादा अलग बे अरु मरा बोलो उनके यूथ का दे और आगे बढ़ सकता है हम लोगों में खादू ना नुक्क अमीने तोरिक बसर नो निगम बिलेज बसर लपर लपर आधा डिस्ट्रिक्ट ओके नुक्क अमीन नुक्क अमीने न्यामी तासो नो लोअर सेंग डिस्ट्रिक्ट लिकवाली रात दोलू तोके थैंक यू

हक भाई अब क्या कहना चाहेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना यहाँ में आके इतना मतलब ऑडियंस भी साथ देता है उसके लिए बहुत ऑडियंस को भी मतलब थैंक यू कहना चाहूँगा सबसे पहले और तो वही है और भी ऐसे मतलब हमें और भी प्यार देते रहिए ना ऐसे ही तो आगे हम लोग भी फिर आगे जाएंगे तो हम मैं मौका मैंने मार गल दोनलिस्ट चापा ने में लगा दूँगा माँ मैं कह दा कहीं होंक लगा याद युमा तो बच्चा मई इसको जुकम में कर लेंगे माँ मैं कह कहीं इस बेसि मैं कैज दा कहीं सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा मेरा नाम अर्जुन गुम्देर है और मैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आलो से हूँ और मैं इतना कहूँगा कि कुछ मैंने बहुत किया बोलने से ना मेहनत तो किया और या थाने की मेरा मेरा तरफ से ये बहुत बड़ा बात है मेरे लिए कि मैं फाइनलिस्ट बन पाया थैंक यू सो मच कुछ कहना चाहेंगे अब डेफिनेटली बींग नॉन वोकल लर्नर हम जो कभी म्यूजिक क्लासेस में नहीं ले सो यहाँ तक तो फाइव टॉप ऑफ सिक्स तक आना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है बहुत बहुत बड़ा बात है क्योंकि हमारा फैमिली में सिंगिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है कोई भी गाना नहीं गाता है सो ये मेरा पापा का बात मेरा फर्स्ट जनरेशन होगा जिसमें मैं गाना लेके आगे बढ़ रहा हूँ सो आई एम थैंकफुल बहुत ज़्यादा खुश हो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू अब जो है यू आर द ओनली गर्ल्स ग्रैंड है क्या कहना चाहिए uh, well, क्योंकि आज का मतलब ठीक था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो और सोचा नहीं था इतना भी मतलब आ पाऊँगी बट आ गया और मेरा तो ये ड्रीम है सिंगिंग ना मतलब इससे हमको मतलब करियर हमको हमेशा मतलब चाहिए था क्योंकि आ, इस इससे तो डायरेक्ट अपोजिट है मेरा फैमिली में तो हर कोई सिंगिंग करता है लाइक मेरा मोम भी करता है आंटीज़ भी करता है बट वो लोग जो अपना ये ड्रीम को कंटिन्यू नहीं कर पाया तो उन लोगों के लिए मतलब मुझ पर बहुत बड़ा वो है ना एक्सपेक्टेशन है तो वो लोग का भी है कि कंटिन्यू कर सकूँ ना उसके लिए तो थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा <laughs> ओके तो गाइस फाइनली हम लोगों का दी द फर्स्ट सीजन ऑफ़ द वॉइस ऑफ गालो फिनाले होने वाला है जो कि थर्ड सितंबर को तो जितने भी हमारे व्यूअर्स है खासकर हमारे गालो कम्युनिटी से लेके सिर्फ गालो कम्यूनिटी नहीं जितने भी हमारे अरुणाचल के जितने भी हमारे जो इस वक्त जो हमें देख रहे व्यूअर्स है तो आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें थर्ड सेप्टेम्बर को डी के कन्वेंसनल हॉल में जो ग्रैंड फिनाले ऑफ़ द वॉइस ऑफ गालो में प्लीज़ हमें ज़रूर ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट करें और हम फुल और मस्ती करेंगे या थैंक यू